मोनिका इंदा किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे तिल की बर्फी। आइए तो तिल की बर्फी बनाना शुरू करते हैं। तिल की बर्फी बनाने के लिए मैंने 1 लीटर फुल फैट दूध ले लिया है। अब हम इसे बॉईल करेंगे। और इधर हमने ले लिया एक फ्राई पैन जिसमें हम 1.5 कप तिल लेंगे। ये ब्राउन तिल है बिना धुले हुए, और एक वाइट तिल आता है उन्हें धुले हुए बोलते हैं। हमने ब्राउन लिए हैं इसलिए हम इनको 2-3 मिनट भून लेंगे लो फ्लेम पर। ये देखिए तिल 2-3 मिनट में ही चटकने लग गए हैं। गैस फ्लेम कर देंगे ऑफ और इनको इसी में थोड़ी देर चलाते रहेंगे। इनको ज्यादा नहीं भूनना है नहीं तो इनमें कड़वापन आ जाएगा। ये इतने ही भुनेंगे। तिल जो हो वो हमारे हल्के ठंडे हो गए हैं। अब हम इनको मिक्सी जार में ट्रांसफर कर लेंगे। ये देखिए तिल को हमने दरदरा पीस लिया है, बिल्कुल फाइन पाउडर नहीं बनाएंगे इनका, थोड़ा दरदरा ही रखेंगे इसको। अब हम अपने दूध को देख लेते हैं। बॉयल आ गया है और अब हम दूध को गाढ़ा होने तक पकाएंगे और फ्लेम फुल रखेंगे। फुल फ्लेम पर इसको गाढ़ा होने तक पकाएंगे। ये देखिए दूध रह गया हमारा आधा, 1 लीटर से आधा लीटर दूध रह गया और काफी गाढ़ा भी हो गया है। और हमें इसी प्रकार इसे चलाते हुए पकाना है। और अभी थोड़ी देर और पकाएंगे इसे, और साइड में जो मलाई जमती है उसे भी किनारी से हटाते रहेंगे और इसके अंदर ही से साथ में पकाते रहेंगे। तिल की बर्फी सर्दियों में बहुत अच्छी लगती है खाने में। आप भी एक बार इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिए। अब हम इसमें डाल देंगे 3/4 कप चीनी। चीनी हम पहले इसमें इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि बाद में कई बार चीनी का दाना जो हो रह जाता है। अब इसमें चीनी अच्छे से मेल्ट भी हो जाएगी और पक भी जाएगी। इसको इसी प्रकार चलाते हुए पका लेंगे आगे। तिल की बर्फी सर्दियों में हमारी सेहत के लिए बहुत ही अच्छी होती है, इसलिए हमें तिल सर्दी में किसी ना किसी रूप में जरूर खाने चाहिए। या गुड़ में बनाए, चीनी में बनाए, या जैसे भी बनाए। ये देखिए दूध हमारा काफी गाढ़ा हो चुका है, पहले से और भी ज्यादा गाढ़ा हो चुका है। अब हम डाल देंगे इसके अंदर ये तिल जो हमने भूनकर और पीस कर रखे हैं। और इनको भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। और इनको इसी प्रकार चलाएंगे अभी और थोड़ी देर, जब तक ये हमारी बर्फी जमने की कंसिस्टेंसी में नहीं आता तब तक हम इसे और पकाएंगे। ये देखिए हमारी बर्फी का मिक्सचर जो है वो जमने की कंसिस्टेंसी में आ चुका है। गैस फ्लेम ऑफ कर देंगे। और एक मैंने प्लेट ली है, इसको मैंने चिकना कर लिया है घी लगा के, और हम सारा मिक्सचर जो है प्लेट में निकाल लेंगे। इस स्पैचुला से इसको इस प्रकार से फैलाकर फैला लेंगे और इसको इक्वल कर लेंगे पूरा एकदम स्मूथ और चिकना। अब हम इसे 1 घंटे के लिए रूम टेम्परेचर पे रख देंगे जिससे कि ठंडा हो जाएगा, और फिर इससे हम बर्फी की शेप में काट लेंगे।
ये देखिए बर्फी का जो मिक्सचर था वो ठंडा हो चुका है और पूरी तरीके से जम भी चुका है। अब हम इसे बर्फी की शेप में काट लेंगे। ये देखिए तिल की बर्फी बनकर बिल्कुल तैयार है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो एक बार ट्राई जरूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।